तो हेलो गाइस, मेरा नाम है मेक। तो स्वागत है आपका एक न्यू वीडियो में। तो चलो गाइस यार, आज हम लोग ना एक न्यू गेम खेलने जा रहे हैं जिस गेम का नाम है थीफ सिमुलेटर। और यहाँ पर ना हम लोग अभी छोटे मोटे चोर हैं, मतलब अपने को ना इस टाइम पर चोरी करनी बिल्कुल भी नहीं आती है। और ये जो बंदा है ना, इसका नाम है विनी, और ये अपने को ना गाइड करता रहेगा। ये कोई ज्यादा ही प्रोफेशनल चोर है भाई, ऑफिसर सुना था, मिलिट्री वाला प्रोफेशनल सुना था, और ये तो चोरों का चोर महाचोर है। और ये अपने को ना इस टाइम पर पूरा गाइड कर रहा है कि अपने को क्या करना चाहिए। तो गाइस अगर आप इस वीडियो पर नए तो जल्दी से ना पहले लाइक ठोको, लाइक है मैं पूरे 5000 लाइक का। चैनल पर चैनल को बिना जरूर से सब्सक्राइब कर लेना, 190 के किंग्स एंड फैमिली के बहुत है क्लोज है। तो गाइस यार सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। तो चलो गाइस यार, अपने को ना इस टाइम पर क्या करना है, क्रोबार तो अपने को मिल चुका है और अपने को यार इसको इक्विप करना था, और हमने ना कर लिया इसको। और इससे सर रुपए मारना का किसी के तो भाई यार ये तो सर फाड़ देगा। और इसको तोड़ना था प्लैंक्स को, तो हमने तोड़ दिया है। और चोरी करने के लिए भी भाई लोग अपने को सिखा रहे हैं। GTA में तो हम लोग गैंगस्टर हैं, और जैसे हम लोग GTA में ना सीधा चोरी करते हैं, और इस टाइम पर ना छुप छुप कर अपने को ना चोरी करना है। हाँ यार, अपने को नजरों में किसी बंदे की भी नहीं आना जिनके हम लोग जा रहे हैं चोरी करने के लिए। और लाइट से अपने को दूर रहना, अंधेरा कायम रखना है। और अगर हम लोग ज्यादा लाइट में जाएंगे तो जिसका घर है वो देख सकता है अपनी बालकनी में, और भाई वो सीधा कॉल करेगा पुलिस को। और भाई फिर पुलिस आपको पता है डंडे ऐसी जगह मारेगी ना भाई साहब, लाल हो जाएगा सब कुछ। तो चलो गाइस पिक द फ्लैशलाइट। अपने को एक फ्लैशलाइट मिली है अभी तक, और अपने को एक क्रोबार मिला है। तो क्रोबार से शायद मुझे इतना तो पता है कि हम लोग कांच तोड़ सकते हैं, वॉल तोड़ सकते, भाई वॉल नहीं, वॉल कुछ ज्यादा ही हो गया, हाँ भाई ग्लास तोड़ सकते हैं। और यार जो फ्लैशलाइट है उसको हम लोग अंधेरे में देख सकते हैं उछाला करके। और एक तो विनी का कॉल आता जा रहा है, भाई पागल है, अभी मैं स्विच ऑफ कर दूंगा, इतना बच्चा नहीं हूँ यार मैं, चोरी करता हूँ हमेशा गेम के अंदर। भाई असली में तुम्हारा भाई शरीफ है, चोरी उरी नहीं करता। कहीं सोचो कि जो मैंक है ये हमेशा ही चोरी करता रहता है, जैसे ये गेम में करता है। भाई यार वो सब गेम में है। तो चलो भाई सब जल्दी से अपने को क्या काम करना है, यहाँ से ना स्टील सम स्टफ अपने। एक सेकेंड भाई साहब, ये मुझे लगा कि इसने दिया होगा अपने को ये 2 करोड़ रुपये चुराने के लिए, या तो फरारी वगैरह। पर इसने अपने को ना पहला काम दिया है, जाकर अपने को एक फ्राई पैन चुराना है, और ना ब्रेड सेकने वाला चुराना है। अब भाई यार पागल है क्या, ये छोटा सा काम दिया फ्राई पैन, यार मेरे से ले लेता पैसे, किसी शॉप से ले आता। पर चलो देखते हैं भाई, जो भी दिया सही दिया है, पहली रॉबरी है तो इतना तो शायद से बनता ही है। तो थोड़ा सा अपने को पता चला कि क्रोबर कहाँ से उठाते हैं, और अपने को कहाँ पर सारा सामान ले जाकर रखना है ये तो बता देते भाई। अच्छा ये चोर की गाड़ी है, तो भाई चोर क्या ही करेगा चोरी करके, गाड़ी है भाई यार, सब कुछ है इसके पास, फोन भी टच है। तो इसने चोरी, पहली इसकी चोरी है। और ना भाई इससे पहले ये शरीफ हुआ करता था, और इसको पता नहीं यार कौन सा दोहरा पड़ा और कौन सी इसको परेशानी हुई जिस करके ना इसको ये स्टेप उठाना पड़ा। ये किसी चोरों के चोर महाचोर प्रोफेशनल चोर से क्लासेस ले रहा है, तो सही है भाई साहब। वो भी उसका नाम भी विनी है, और वो भाई कह रहा है फ्राई पैन चुराओ और ब्रेड रोस्टर चुराओ। भाई पागल है भाई, कसम से कह दे रहा हूँ, उससे बर्बाद करा रहा है भाई यार ये, सही में कह दे रहा हूँ। उसी पैसे से यार कुछ और काम खोल ले, बिन बात के चोरी सीख रहा किसी से। ओके तो गाइस यार इस टाइम पर ना हम लोग एक घर में आ चुके हैं, मतलब एक टाइप से आप कैरेज कह सकते हो शायद से ना। ये जो अपना बंदा है यहाँ पर रहता है, और एक सेकेंड ओके तो गाइस यार ये कह रहा है ना, इस टाइम पर तो तू सो जा, और सुबह उठ के तू एक तो भाई सोने देना, क्या पागल है क्या। अच्छा सुबह हो चुकी है, मुझे लगा कि अभी मैं बेड के ऊपर लेटा हूँ, और यार रात होगी तो अपना बंदा सोएगा। पर उसी टाइम जब भी मैं सोया उसी टाइम झटके से सुबह हो चुके हैं, तो अपने को ना ये चीजें खरीदनी पड़ेंगी इस टाइम पर। तो चलो गाइस यार ये शायद से ना जो चीजें हैं अपने को अगली रॉबरी में काम आएंगी। और उससे पहले अपने को क्या काम करना है, जो हम लोग कल रात को सामान चोरी कर कर लेकर आए थे, और उसको अब बेचने जाना है एक शॉप पर। इनका ही कोई पार्टनर लग रहा है मुझे, और जो अपना विनी फ्रेंड है उसने अपने को बोला है कि जो तुझे मैं शॉप की लोकेशन बता रहा हूँ वहां पर जाके ना जो सारा सामान कल चुराया वो जाके सेल कर, और वहां में ना भाई तुझे पैसे मिल जाएंगे सही सही। ओके तो गाइस यहाँ पर ना मैं उस शॉप पर तो आ चुका हूँ, और जो सामान है वो अपनी इन्वेंटरी में है शायद से। अब जल्दी से हम लोग चलते हैं और इस पूरे बंदे को सारा सामान भेज देते हैं, नो आइटम्स। और एक सेकेंड, उसने अपने को एक बॉक्स दिया था विनी ने, और उसने बोला था कि इसके बीच में तुम्हारा सारा सामान स्टोर हो जाएगा, और शायद से उस ओ भाई अच्छा जो मैं सोच रहा था ना वही काम हुआ, और अपना स्टोरेज रूम में तो स्टोर हो जाता है इस बॉक्स में बिल्कुल असली जिंदगी की तरह। उसके बाद अपने को एक एक सामान अपनी इन्वेंटरी में डालना होता है, तो इसको सेल करते हैं। पागलों वाले कहाँ मैं क्या, एक चीज $3 में बिकी है और दूसरा आइटम अपना $8 में बिका है, तो इससे बड़ा चोर मुझे पागल कोई नहीं लग रहा। तो निकल ले बेटा यहाँ से, और तेरे टोटल डॉलर इस टाइम पर बने हैं,
$11 की इसने अभी तक रॉबरी करी है। तो सही है भाई, अपने को सामान चुराना है और जाकर उस शॉप पर बेच के आना है। ओके तो गाइस इस टाइम पर अपने को क्या काम करना है, अपने को ना इस घर से एक टीवी चुराना है, ओल्ड टीवी टेलीविजन भाई, अपने को ना यहाँ से एक पुराना चुरा कर उसी शॉप पर बेच कर आना है। तो यहाँ पे मुझे रास्ता नहीं मिल रहा, इसके अंदर जाना है क्या? नहीं नहीं नहीं, अगर अच्छा भाई अगर पुलिस आएगी तो हम लोग इसके अंदर छुप सकते हैं। तो अपने को ना कोई और एरिया ढूंढना पड़ेगा जाने के लिए, और यहाँ पर अपना क्रोबार काम आएगा। तो जल्दी से इसको तोड़ते हैं। तेज करो भाई, पूरी रेंट सिमुलेटर वाली फीलिंग आ रही है। और हमने सारे प्लैंक्स तोड़ दिए हैं, और भाई एक मैंने मारा है और पूरा घर उड़ना गिर जाए यार, मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। और टीवी भी दूर से दिख चुका है, आंखें हैं कि भाई क्या स्कैनर वगैरह लगा कर आया क्या आंखों पे। तो चलो गाइस अब जल्दी से इस ग्लास को तोड़ते हैं और चलते हैं सीधा जंप करके अंदर की तरफ। मुझे गाइस एक बात समझ नहीं आ रही है, इतना बड़ा घर है, अगर हम लोग इसको बेच देंगे तो ज़्यादा प्रॉफिट होगा, और इसको इस छोटे से टीवी को यहाँ पर चुराने आना पड़ा इस बंद घर में। तो चलो भाई यार शायद ये ना अभी प्रैक्टिस कर रहा है, तो यहाँ से ये जा भी नहीं पा रहा, और अपने को एक की दिख रही है तो की को भी उठाते हैं। और यहाँ पर मैंने टीवी की तो नीचे की तरफ रख दिया है जमीन के ऊपर। अब जल्दी से ना आगे की तरफ हम लोग चल के वो डोर खोल लेते हैं। और ये किस चीज़ की है यार की? तो आगे की तरफ कोई है तो नहीं है ना? नहीं भाई, जहाँ तक अपना जो फ्रेंड विनी है उसने अपने को बोला था कि यहाँ जहाँ मैं तुझे भेज रहा हूँ लोकेशन पर, वहाँ ना दो दिन से कोई भी नहीं है, और शायद से वो वेकेशन पर गए हैं और वहाँ पर जाके उनका तगड़ा टीवी चुरा कर लेके आया। तो क्या पागल है भाई, जिससे भी क्लासेस ले रहा है मैं अभी बता दे रहा हूँ, अगर ये छोड़ देगा ना वो काम तो बहुत ज़्यादा फायदे में रहेगा। तो अब जल्दी से ना हम लोग चलते हैं सीधा अपनी गाड़ी के पास, और जो अपना टेलीविज़न है इसको ना हम लोग ले जाकर गाड़ी के बीच में लोड करवाते हैं, और यार इसको लेकर चलते हैं सीधा उस शॉप पर जहाँ पर हम लोग अपना फ्राई पैन, और आपको पता है उसको बेच कर आए थे, ब्रेड टोस्टर भाई कुछ भी कह लो उसको, मुझे उसका नाम अच्छे तरीके से याद नहीं है, पर हाँ यार जरूर से कमेंट करके बताना। तो चलो गाइस इसका हुड खोलते हैं, और इसने पटक दिया भाई, इसकी वैल्यू क्या रहेगी, इतना ब्रांड न्यू ये टीवी है, ऐसा तो मत करो ना, इतना ज़्यादा इसको बेचेंगे $900,000 में तो पक्का बेचूंगा। पर इसकी देख कर शक्ल तो नहीं लग रही है, ना ही अपनी गाड़ी की लग रही है, और अभी भी मुझे अंदर की तरफ एक ऑप्शन आ रहे हैं। तो चलते हैं सीधा अंदर की तरफ, और यार आ तो चुका हूँ, और रह का क्या काम अपना, कोई रहता है क्या? ओके तो गाइस यार यहाँ पर ना छोटे मोटे और सामान रह रहे थे, और क्या चोर है भाई यार, ये छोटा मोटा सामान तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ता, इससे अच्छा पूरा घर बेच दे। तो चलो गाइस यार इस टाइम पर ना हम लोग आ चुके हैं, जो सारा सामान है ना अपने को और चाहिए होगा वो सेल भी हम लोग यहाँ से कर सकते हैं। तो इसको हमने बाय कर लिया है $80 में, और यहाँ नहीं भाई $50 का कि $80 का था भाई, मुझे क्लियर वहाँ पर नज़र नहीं आया, पर अपने को ना कुछ सामान चाहिए होगा जिससे हम लोग और रॉबरी कर सकते हैं। तो चलो गाइस अब जल्दी से ना हमने अपना जो सामान था परचेज कर लिया है, और शायद से ना अब हम लोग जा रहे हैं अगली रॉबरी पर। जो अपना फ्रेंड है वो कह रहा है कि अब मैं तुम्हें बीच बीच में बोलूँगा अगर ज़रूरत पड़ेगी तो, और अच्छा हो कि मैं तुम्हें ना ही टोकूं, और जाके तुम लोग ना अपना काम अच्छे तरीके से करो। और उसने ना अपने को एक घर की लोकेशन बताई है, और वो वगैरह वहाँ पर जाके तुम रॉबरी कर सकते हो। तो चलते हैं भाई, अब आएगा मज़ा। और यहाँ पर ना वो कह रहा था कि बंदे भी हो सकते हैं, तो सोच समझ कर देख कर जाना। तो चलो दिन में आया चोर चोरी करने के लिए, भाई डॉगी उगोगा तो इसको काट लेना भाई, कसम से कह दे रहा हूँ, बहुत ज़्यादा भोंदू चोर है, गोल्ड सिल्वर कुछ भी नहीं चुराएगा ये चोर, इसको चाहिए ब्रेड की मशीन, और भाई यार फटे पुराने फ्राई पैन तो नहीं होते, कपड़े होते हैं, मतलब टेढ़े मेढ़े फ्राई पैन, और इसको ज़्यादा किचन का शौक है। तो चलो भाई देख रहो, आते इसने ये सब सामान उठाया, और पीछे इतने कीमती कीमती फाइल्स हैं उनको भाई छू कर भी नहीं देख रहा, क्या पता चलता है कि घर की रजिस्ट्री हो, और यार रजिस्ट्री को हम लोग बेच कर ज़्यादा ही पैसे कमा लें। तो चलो गाइस अब देखते हैं कि ये क्या करेगा, पागल है भाई कसम से कह दे रहा हूँ। और ऐसा चोर भाई हर घर में मिले, मतलब जो आके पुराने बर्तन उठा कर ले जाए, और यार देख रो केतली भाई सब कुछ उठा ले, पानी भरा उसमें पी भी ले उसको, और यहाँ पर एक डोंगा सा और उठा लिया इसने, ये क्या उठाया भाई, पैसे, ओ भाई $6 उठाए हैं, जैसे $600, अरे भाई इसको फिर तंग करना है बीच में। तो चलो गाइस यार यहाँ पर ना हमने $6 तो चुरा लिए हैं, और अब जल्दी से अपने को ना यहाँ से निकलना चाहिए, और इसको तोड़ सकते हैं क्या, और ये सीट को हम लोग शायद से नहीं तोड़ सकते। और देख रहे यहाँ पर मिल्क की, अरे भाई मिल्क की बोतल या शैम्पू की बोतल है, मैं भी सोचूं कि उसमें जहाँ पर हम लोग नहाते हैं उस बाथरूम में शैम्पू की बोतल की जगह मिल्क की बोतल क्या करेगी। तो चलो गाइस अब जल्दी से हम लोग अपनी गाड़ी को भगाते हैं और चलते हैं सीधा उसी शॉप पर। भाई यार वैसे चोर का कुछ भी कहें है तो पूरा पागल, और यहाँ पर ऐसे सीधा गाड़ी लगा रहा है ना, और उसके बाद भाई देख लो पूरा ये तोड़ता ही जा रहा है भाई, जो भी सेफ्टी रूल्स हैं उसको सबको तोड़ता जा रहा है, और अभी तो ये लड़की को भी उड़ा देता वहाँ से।
ओके तो गाइस यार यहाँ पर ना हम लोगों का ना लेवल अप हो चुका है, बी ग्रेड मिला है। हाँ भाई तेरी शक्ल को बी क्या, तुझे डी या ई मिलना चाहिए था। ये बात उस सामान की, वो लोग हम आते हुए ना शॉप पर बेच आए हैं, तो जल्दी से ना दूसरा मिशन स्टार्ट करते हैं, तीसरा मिशन स्टार्ट करते हैं। और इसके लिए ना अपने को पैसे चाहिए होंगे क्योंकि अपने को सामान खरीदना है। तो देख रहे हो भाई क्या दिमाग खराब कर रखा है, चोरी भी हम लोग करने जा रहे हैं, ऊपर से हम लोग ही सामान खरीदेंगे। और जितना सामान यार एक तो पसंद आता है ना काम ऐसा कि जाके तगड़ी तगड़ी चीजें ये चुराए, पर जब इसको चुराना ही फ्राई पैन वगैरह है तो कर भी क्या सकते हैं। और इस टाइम पर नजायज कोशिश कर रहा है लॉक तोड़ने की, बेटा तेरे से नहीं होगा, तू रख दे जाके इस टाइम पर ऑमलेट वगैरह बना उस फ्राई पैन में। ओके तो गाइस यार इस टाइम पर ना इससे नहीं खुलने वाला। अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी है ना तो वीडियो को जरूर जाके लाइक कर देना, लाइक के पूरे 5000 लाइक का। चैनल पर चैनल को बिना जरूर से सब्सक्राइब कर देना, 1,90,000 की किंसेन फैमिली की बहुत ही क्लोज है तो सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं बहुत ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस, लव यू ऑल।